फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहार, वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कार्डिगन और जैकेट के लिए डिजाइन लेकर आई हूं। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है। इस डिजाइन को आप ये देखिए, ये जो स्केलेप बॉर्डर इस चैनल पर मैं पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर सकती है। ऐसे बनाने से कार्डिगन और जैकेट की लुक बहुत ही सुंदर आएगी। फ्रेंड्स, नीचे जो बॉर्डर मैंने बनाना सिखाया हुआ है, ये 17 के मल्टीपल फंदे लेने से इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। ऊपर जो डिजाइन मैंने इसमें अप्लाई किया है, इस डिजाइन को सेट करने के लिए 8 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं, तो ये भी इस तरह से सेट हो जाता है। 8 के मल्टीपल देखिए, 8 फंदे गिन लीजिए, फिर से 8, फिर से 8, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 2 फंदे रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स, बॉर्डर के बाद जब हम इस डिजाइन को एडजस्ट करते हैं, तो इसके बाद हमारे 1 या 2 फंदे कम या ज्यादा हो सकते हैं। इसमें मेरा 1 फंदा ज्यादा था, जो मैंने यहाँ पर बीच में 2 का 1 करके कम किया हुआ है। तो आप भी इस बॉर्डर के बाद जब इस डिजाइन को अप्लाई करो, तो आप फंदे का हिसाब लगा लीजिए। अगर 1 या 2 फंदा आपका कम हो, तो कहीं भी बीच में से उसे बढ़ा लीजिए। अगर 1 या 2 फंदा आपका ज्यादा हो, तो बीच में 2 का 1 करके उसे कम कर दीजिएगा। तो ये आपका इस तरह से सेट हो जाएगा और इसमें चौड़ाई में भी कोई अंतर नहीं आएगा। फ्रेंड्स, देखिएगा, ये बॉर्डर हमारा 12 सिलाइयों का है। इसके बाद जब इस डिजाइन को अप्लाई करना हो, तो पहले 1 सिलाई सीधी साइड से सीधी और 1 सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बना देना और फिर इस डिजाइन को अप्लाई करना, जिससे यहाँ से इसकी लुक सुंदर आए। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 34 फंदे लिए हुए हैं और फंदे डाल के 1 सिलाई सीधी साइड से उल्टी और 1 उल्टी सिलाई बना करके मैंने कंप्लीट की हुई है। अब डिजाइन की हमारी ये पहली सिलाई है, ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगी। पहला फंदा आप उतार भी सकती हैं और इस तरह से सीधा बना भी सकती हैं। पहला फंदा सीधा बनाने के बाद दूसरे फंदे को आप इस तरह से लीजिए, पलट के इसको सीधा कर दीजिए और पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 कर दीजिएगा। ये देखिए, 2 का 1 करने के बाद अब 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लीजिए और 2 फंदे सीधे, ये देखिए 1 और ये 2। जितना डिजाइन हमने ये बनाया है, ठीक इतना ही अब दोबारा से रिपीट करना है। तो देखिए, इस फंदे को इस तरह से लीजिए, पलट के इसको सीधा कर दीजिए, पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 कर दीजिए। अब 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब जितना डिजाइन हमने दोबारा से रिपीट किया, ठीक उतना ही अब हमने दोबारा से बनाना है। तो देखिए, इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। अब 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। फिर से हमने इसे रिपीट करना है। इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 कर देंगे। अब 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करके अब 2 फंदे सीधे बना दीजिए, देखिए 1 और ये 2। जब धागा अपनी तरफ करके हम फंदे सीधे बना रहे हैं, तो वहां पर हमारी जाली आ रही है। लास्ट में देखिए, हमारा 1 फंदा बच गया, ये हमारा स्टिच है, इसे भी हम सीधा बना लेंगे। उल्टी सिलाई इस डिजाइन में पूरी उल्टी बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से धागा अपनी तरफ करके आप पूरी सिलाई उल्टी बना दीजिए। 2 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं, तीसरी सिलाई है, सीधी साइड है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तीसरी सिलाई कैसे बनेगी। पहला फंदा सीधा, आप इसे उतारना चाहो तो उतार सकती हैं। ये जो दूसरा फंदा है, इसे इस तरह से लेंगे और पलट के इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से इस तरह से सिलाई डाल के
दो फंदे का एक बना देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर तीन फंदे हैं, इन्हें सीधा बना लेंगे, एक दो और ये तीन। अब धागा अपनी तरफ करके ये देखिए ये जो जाली वाला फंदा है इसके इधर भी जाली बनानी है और इधर भी जाली बनानी है, तो धागा अपनी तरफ करके जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके देखिए ये जो दो फंदे हैं इनमें से इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के देखिए धागा अपनी तरफ है और इन दो फंदे का एक फंदा कर देंगे। तो देखिए इस जाली वाले फंदे के इधर भी जाली आ गई है और इधर भी आ गई है। अब यही हमने दोबारा से रिपीट करना है। देखिए इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे। अब तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन। ये देखिए ये तीन फंदे बनाने के बाद ये जो जाली है इसके इधर भी जाली बनानी है और इधर भी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके ये जो दो फंदे हैं इनमें से इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा करेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के देखिए धागा अपनी तरफ है और दो फंदे का एक कर देंगे। तो देखिए यहाँ इधर भी जाली आ गई और इधर भी जाली आ गई। यही हमने दोबारा से रिपीट करना है। इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक। अब तीन फंदे देखिए ये वाले सीधे, एक दो और ये तीन। अब फिर से देखिए ये जो जाली है इसके इधर भी जाली बनानी है और इधर भी, धागा अपनी तरफ कीजिए और जाली वाले फंदे को इस तरह से सीधा बना दीजिए। तो देखिए इधर जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको ऐसे सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। अब आगे फिर से हमने इसको ऐसे ही रिपीट करना है। इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक। अब तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन। धागा अपनी तरफ करेंगे और जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को इस तरह से पलट के सीधा करेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक और लास्ट का फंदा सीधा। तीन सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं, चौथी सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। चार सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं, पांचवी सिलाई है सीधी साइड है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पांचवी सिलाई कैसे बनेगी। पहला फंदा सीधा, दूसरे फंदे को इस तरह से लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर दो फंदे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे, एक और ये दो। अब धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा और ये जो जाली वाला फंदा है इसके यहाँ भी जाली बनानी है और यहाँ भी, तो धागा अपनी तरफ करके जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को भी सीधा बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी जाली आ गई और यहाँ पर भी। अब देखिए धागा पीछे ही रहे, ये जाली और ये फंदा इनमें इस तरह से पीछे की साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे। अब जितना पार्ट ये बनाया है इतना ही दोबारा से रिपीट करना है। इस फंदे को लेंगे, इसको पलट के सीधा करेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक। अब दो फंदे सीधे, एक और ये दो। धागा अपनी तरफ करके इस जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। तो यहाँ एक जाली आ गई, धागा अपनी तरफ करके अब हमने यहाँ भी जाली बनानी है, तो एक फंदा सीधा। अब देखिए ये जाली और ये फंदा इनमें इस तरह से पीछे की साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे। फिर से हमने इसे रिपीट करना है। इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। अब दो फंदे सीधे, एक और ये दो। अब देखिए ये जो जाली वाला फंदा है
धागा अपनी तरफ करके इसे सीधा बना देंगे तो यहाँ पर एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा तो यहाँ हमारी दूसरी जाली आ गई। धागा पीछे रहे, ये जाली और ये फंदा पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। अब देखिएगा, इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से इसमें सिलाई डाल के दो फंदे का एक फंदा कर देंगे। अब आगे दो फंदे सीधे, एक और ये दो। धागा अपनी तरफ कीजिएगा और इस जाली वाले फंदे के यहाँ भी जाली बनानी है और यहाँ भी, तो धागा अपनी तरफ करके जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। धागा अपनी तरफ, अब एक फंदा सीधा, तो दो जाली हो गई। अब ये जाली वाला फंदा और ये वाला सीधा फंदा, तो पीछे की साइड से सिलाई डाल के यहाँ दो का एक कर देंगे और लास्ट का फंदा सीधा। पांच सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, छठी सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। छह सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, सातवीं सिलाई है सीधी साइड है। ये देखिएगा, पहला फंदा सीधा, दूसरे वाले फंदे को इस तरह से लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर एक फंदा है, इसे सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करके ये जो जाली वाला फंदा है इसके इधर भी जाली आएगी और इधर भी, तो धागा अपनी तरफ करके जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर दो फंदे सीधे बनाने हैं, देखिए एक और ये जाली दो। अब यहाँ पर फिर से हमने दो का एक करना है, तो इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा करेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। अब इसी को हमने दोबारा से रिपीट करना है। इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक। अब एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके इस जाली वाले फंदे के यहाँ भी और यहाँ भी जाली बनानी है, तो देखिए धागा अपनी तरफ करके इसको सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे सीधे, एक और ये दो। अब ये वाला फंदा इस तरह से लेंगे, पलट के इसको सीधा करेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक। अब देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का दोबारा से रिपीट करना। इस फंदे को लेंगे, इसको पलट के सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक। अब एक फंदा सीधा, ये जो जाली है धागा अपनी तरफ करके इसे सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके अब दो फंदे सीधे, एक और ये दो। और इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा करेंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक। फिर से रिपीट करना है। इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। अब एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके इस जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके अब दो फंदे सीधे, एक और ये दो। ये देखिए, लास्ट में इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक और लास्ट का फंदा सीधा। सात सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, आठवीं सिलाई इसकी उल्टी है जो पूरी उल्टी बनेगी। नौवीं सिलाई है और सीधी साइड है, ध्यान दीजिए फ्रेंड, नौवीं सिलाई इसकी कैसे बनेगी। पहला फंदा उतारिए या बनाइएगा। तो देखिए, पहला फंदा बनाने के बाद इस फंदे को लेंगे, इसको पलट के सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे सारे फंदे कम हो चुके हैं, अब कोई भी फंदा नहीं बचा है। तो धागा अपनी तरफ कीजिएगा, ये जो जाली का फंदा है इसके यहाँ भी जाली बनानी है और यहाँ भी, तो धागा अपनी तरफ करके इस जाली वाले फंदे को सीधा बना दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे सीधे, तो देखिए एक दो और ये तीन। अब फिर से यहाँ दो का एक करना है, तो इस फंदे को इस तरह से लीजिए, पलट के इसको सीधा कर लीजिए और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक। अब जितना ये बना है इतना ही दोबारा से रिपीट करना है। इस फंदे को लेंगे,
पलट के इसको सीधा करेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। देखिए यहाँ अब कोई एक्स्ट्रा फंदा नहीं बचा है, धागा अपनी तरफ करके इस जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन। अब इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा करेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक। फिर से इसे रिपीट करना है, देखिए इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा करेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करके, क्योंकि यहाँ कोई भी फंदा सीधा नहीं है तो इस जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर से फंदा कम करना है, इसको ऐसे लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का डिजाइन दोबारा से रिपीट होता है। इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं बचा है तो धागा अपनी तरफ करेंगे और जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन। अब इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक और लास्ट का फंदा सीधा। नौ सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, दसवीं सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 10 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। यही 10 सिलाइयां आपको बार बार रिपीट करनी होंगी तो आपका ये डिजाइन आगे आगे बनता चला जाएगा। तो चलिए आपको एक बार इसे दोबारा से रिपीट करके दिखाती हूँ कि ये दोबारा से कैसे शुरू होगा। पहला फंदा हमारा एस्टिच है, इसे बनाइए या उतार लीजिएगा। पहली सिलाई जैसे हमने यहाँ से शुरू की थी, 10 सिलाई के बाद फिर से इसे दोबारा से ऐसे ही बनाना। इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से देखिए इस तरह से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे। ये मैं आपको दोबारा रिपीट करके दिखा रही हूँ। दो का एक करने के बाद अब चार फंदे सीधे, देखिए एक दो तीन और ये चार। अब धागा अपनी तरफ करके दो फंदे सीधे, एक और ये दो। अब यही पैटर्न हमने दोबारा से इसमें रिपीट करना है। तो इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा करेंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक। अब चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार। फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे सीधे, एक और ये दो। फिर से इतना पैटर्न हम रिपीट करेंगे। तो देखिए इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा करेंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक। अब चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार। धागा अपनी तरफ करके अब दो फंदे सीधे, एक और ये दो। फिर से इतना पैटर्न हमने रिपीट करना है। इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। अब चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार। धागा अपनी तरफ करके दो फंदे सीधे और लास्ट का फंदा एस्टिच है, इसे सीधा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसकी सेकंड बार के स्टार्टिंग हो गई है। जब आप यही 10-10 सिलाइयां बार बार रिपीट करेंगी तो आपका ये सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाते टाइम एक तो आप अपने हाथ को हल्का सा लूज रखिएगा। अगर आपका हाथ ज्यादा टाइट हो तो आप 10 नंबर की सिलाई जहाँ लेनी हो वहां 9 नंबर की ले लीजिएगा और 9 नंबर की लेनी हो वहां पर 8 नंबर की ले लीजिएगा, जिससे आपका ये डिजाइन खिला खिला बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।